request all the star cast, all the cast and crew of Tera Hi Nasha, Obeba, who is also there. Hari Majava Majko Aja, Nareem's father to please come on stage. Hi, yes, sir. Congratulations. Obeba, Hari, and Tamil is special request, Hari, aapke liye. Right, thank you. We'll have Reem and Shekhar to be on stage as we have photo op. There's a photo op for Shekhar and Reem. Before we move on towards the media bites. Hold on, again. इस कॉस्ट्यूम में लगता है वीडियो रो होना चाहिए। थैंक यू गाइस, वी गोना हैव आकाश क्विकली। वी नाउ ओपन टू जनता बाइट। पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि इन लोगों के साथ मैं काफ़ी पहले भी काम कर चुका हूँ, तो हमारी एक ट्यूनिंग है, तो कंपोजर की और राइटर की जब एक ट्यूनिंग होती है ना तो गाना आधा तो वहीं इजी हो जाता है बनाना, और धुन इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे। मेरा सवाल एक आपसे है, डिजिटली ऑर्गेनिकली इस वाले गाने के लिए यार, जब हम कोई मेहनत करते हैं कि इतनी इतने लोग जुड़ते हैं ना साथ में, उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगला गाना उससे भी अच्छा लिखने का, अगला काम उससे अच्छा करने का मन करता है, और ये चीज़ इंस्पायर करती है जब लोग अच्छा बताते हैं काम को और गाना चलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है सर। बहुत नाम एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गाने को इतना प्यार दे रहे हो सब लोग, और बहुत नर्वस भी हूँ कि ऐसा गाना एक तो इन्होंने लिखा और ऐसा गाना कंपोज किया, डायरेक्ट किया और एक्टिंग की, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और बस ऐसे ही आप लोग सब प्यार देते रहो और गाना सुनते रहो। सबसे मुश्किल तो डांसिंग ही लगी और तो कुछ नहीं लगा, तो उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर भी किया, बट हाँ थोड़ा बहुत कर ही लिया जैसा आया। नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि फीचर ऐसे करूँगा, सिर्फ गाने का ही सोचा था, बट हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ठीक है लेट्स ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक मेमरी मैं अपने साथ जो रख, एक्चुअली सी द होल फिल्मिंग ऑफ दिस सॉन्ग वॉज यू नो फन, इट वॉज ईजी, एंड यू नो ऐसे शूट कर रहे हैं वो प्रेशर नहीं लगा दैट यू नो कि वी हैव टू परफॉर्म नाउ। हाँ बस वो जब डांस वांस करवा रहे थे मुझसे ना, तो मैं डांस को लेके थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसको लेके जैसे इनकी हालत थी वैसे मेरी भी थी, बट आई थिंक को इतना पता नहीं चला, आई गॉट थ्रू विथ इट। बट ऑनेस्टली कहूँ तो ये पूरा गाना मेरे लिए मैं मेरे साथ हमेशा लेकर चलूँगी, बिकॉज ये गाना मुझे सच में बहुत पसंद आया, एंड यू नो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग मोर देन द वीडियो, मोर देन एनी थिंग आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ऑडियो टू कम आउट टू द ऑडियंस, बिकॉज इट्स
इट्स समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, इट्स पेपी. एंड म्यूज़िक एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान से कनेक्टेड होता है. यू नो व्हेन यू आर अपसेट यू लिसन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक, यू नो व्हेन यू नो यू आर हैप्पी यू आर अ पार्टी यू लिसन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक. एंड ये गाना जब मैंने सुना था तब मेरा मूड ऐसे ही लग रहा है, जस्ट हैड लाइक अ यू नो फेंट स्माइल. सो आई न्यू कि जब ये गाना बाहर आएगा तो सभी को बहुत पसंद आएगा. एंड एज पारुल जी राइटली सेड, इट्स ऑल ऑर्गेनिक, इट्स ऑर्गेनिकली रीचिंग टू द ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज लाइकिंग इट ऑल ऑर्गेनिकली. कम ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें ऑर्गेनिकली इतने व्यूज़ या फिर हम जनरेट कर पाते हैं. तो इस गाने को पहले ही से ही पहले दिन से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतनी अच्छी रील्स इसके ऊपर बनाई जा रही हैं ऑलरेडी हमारे दोस्तों की तरफ से भी हमें फीडबैक्स आने शुरू हो गए हैं. एवरीबॉडी इज लविंग इट. तो इस आई फील ब्लेस्ड. अच्छा है ऑडियो इतना अच्छा बना हुआ है और ऑब्वियसली मेरे पास भी प्रेशर था कि जब ऑडियो इतना अच्छा है वीडियो भी उसको जस्टिस करना चाहिए. तो फिर हमने गोवा प्लान किया था. पहले शायद हम हिमाचल करने वाले थे लेकिन हिमाचल की भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है तो हम इसके कारण हम गोवा गए. और आई थिंक वो हमारा अच्छा बेस्ट डिसीजन रहा कि हमने गोवा में शूट किया क्योंकि जो कलर्स हैं और जो उसके में एक वाइब्रेंस आया है वो ऑडियो में भी हमारा दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है और आई थिंक उसी की वजह से लोगों को पसंद आ रही है. और मुझे लगता है अभी एक दिन हुआ है ये गाना बहुत अभी बहुत आगे जाएगा, ये बहुत बहुत ऊपर जाएगा स्लोली स्लोली और बहुत आई थिंक मिलियन मिलियंस टच करेगा. और ऐसे थैंक यू सो मच. तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और डांस करते करते भी ऐसा था कि हाँ हाँ मैं कवर कर लूँगी कोई नहीं तो ऐसा था. बट शी इज़ वेरी गुड और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत बताया भी कि ऐसे करो एक्टिंग. तो लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस. बस ये मैं कहूँगा कि लाइक हम घर पे चिल कर रहे थे और चिल करते करते ये गाना बन गया. तो उसके बाद फिर हम गए और इनको कहा कि आप इस गाने में जान डाल दो. तो इन्होंने वो जान डाल दी और आज ये गाना आप लोग सुन रहे हैं. मुश्किल तो कोई काम नहीं होता अगर आप उसको दिल से करो तो, मुझे ऐसा लगता है. बट हाँ मेरे लिए फर्स्ट टाइम था एक्टिंग करना और डांस करना तो थोड़ा डिफिकल्ट था. बट हाँ अब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आगे मैनेज कर लूँगा. वो डिपेंड करता है. अभी तो मेन फोकस तो सिंगिंग ही है और वो सपना गाना गाना ही है. बाकी एक्टिंग देखेंगे जब अगर लगा तो उसको भी करेंगे. सोशल मीडिया आजकल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर हर दिन हर रोज पानी कितने गाने आते हैं और कितने सफल हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते. इस कंपटीशन में एक प्रोफेशनल जो कलाकार होता है उसके लिए कितना मुश्किल है कितना आसान होता है क्योंकि उसका कंपटीशन बहुत बड़ा है. आपके वीडियो को आपके गाने को मुझे लगता है बहुत मुश्किल है आज के टाइम में लाइक सर्वाइव करना. बट हमने गाना बनाया तो वो लोग प्यार दे रहे हैं तो शायद उस गाने में कुछ है तभी लोग उसको प्यार दे रहे हैं. और वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैं सब अगर कोई ढंग से मेहनत करे तो फिर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, वो वैसे ही आपका हो जाता है, गाना चल जाता है. मैडम आपसे सवाल है, गाने में आपसे बहुत तैयारी करनी पड़ी आपको या
सेट पे जाते ही सारी चीज़ें इंस्टेंट हो गई। कोई वक्त हुआ करते थे, कई डेट्स होते थे, कई दिन लगते थे, कई वक्त लगता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाने काफ़ी चीज़ें इंस्टेंट हो जाती है। एक दिन में करने का अनुभव आपका कैसे रहा? ऑनेस्टली अगर टीम अच्छी हो तो एक दिन के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट करना इट्स वेरी इजी। जैसे कि वो एक प्रेशर था कि हाँ एक दिन में शूट ख़त्म करना है, बट वो इतना प्रेशर नहीं था कि लंच ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, टी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, वैसा वाला प्रेशर नहीं था। एंड इट्स इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज द टीम दैट आई वाज वर्किंग विद, बी इट हिम, बी इट आर डायरेक्टर, बी इट आर DOP, बी इट एनीबॉडी, दे ऑल वर वेरी प्रोफेशनल एंड दे न्यू व्हाट दे व्हाट हैड टू बी डन ऑन सेट। बाकी एज सच मैंने जैसे अभी भी कहा कि मैंने सेट पर आके सिर्फ अपना काम किया है, असली मेहनत इन तीनों ने ही बैठ के की है, मैंने सिर्फ लाइक यू नो इन चारों ने की है। आई वॉज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो कि इन चारों ने मिलकर बहुत प्यार बहुत मेहनत से बनाया है। एंड जब कोई प्यार और मेहनत से चीज़ बनाता है तो वो चीज़ वैसे ही खूबसूरत बन जाती है। सो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम आई कुड सी द पैशन दैट दे हैड फॉर दिस सॉन्ग एंड यू नो दैट जस्ट गेव मी मोर एनर्जी। इवन दो धूप थी एंड गोवा में बहुत गर्मी थी, बट यू नो आई कुड आई डिडंट फील एनी ऑफ दैट बिकॉज द पीपल अराउंड मी दे वर गिविंग मी ऑल हैप्पी एंड पॉजिटिव वाइब्स, सो दैट केप्ट मी गोइंग थ्रू आउट द डे। एंड एक भी मोमेंट डल नहीं था थ्रू आउट द होल शूटिंग ऑफ दिस सॉन्ग। जैसे कि ये गाना बिल्कुल डल नहीं है, वैसे ही पूरी शूटिंग के वक्त मेरे लिए कोई डल मोमेंट नहीं था। एंड आई जस्ट रिमेंबर दिस सॉन्ग एज अ वेरी हैप्पी मेमरी। वेल काम ऑनेस्टली कहूँ तो हमेशा से मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे कि यू नो लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से मिल गया, बट मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैंने जैसे कि माय मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो पर टॉप पर रब्ता, मैं उस शो के लिए 4 बार रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तब तो सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग में था भी नहीं, मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब भी काम मिलना उतना ही मुश्किल था जितना कि आज मुश्किल है। मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा यू नो इफ़ यू आर फेमस तो आपको शायद आपका पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप में वर्क एथिक्स नहीं है, अगर आपका बिहेवियर राइट नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है आपके काम को लेके, तो वो एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते आप। सो आई डोंट नो मेरी इस बात से कितने लोग अफेंड हो जाएंगे, बट दैट्स द ट्रुथ बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 15 साल से इंडस्ट्री देखी है। सो काम मिलना जितना आज मुश्किल है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज से 15 साल पहले भी उतना ही मुश्किल था। और वो सब मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं, बी एट रामनगर की लंबी लंबी क्यू की लाइन्स ऑडिशन देने के लिए, टू राइट यू नो टूडे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू यू नो गेट अ प्रोजेक्ट बिकॉज मे बी यू हैव लेसर फॉलोअर्स। पहले वो लाइन थी वो इन जनरल फिजिकली लंबी होती थी, आज वो जो लाइन है वो फॉलोअर्स के जरिए लंबी हो गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है मेरे हिसाब से। तो ऑनेस्टली सिर्फ इसकी नहीं बात करूँगी, बहुत सारी यू नो फील्ड्स होती, इंडस्ट्रीज होती है विच इज़ इक्वली नॉट सेफ। आई नो जस्ट बिकॉज इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड तो ये यू नो एक वो थप्पा हो जाता है कि सेफ बिल्कुल नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि सेफ नहीं है आजकल के ज़माने में। एंड रही बात यू नो लोगों की पढ़ाई पे ना ध्यान देने की, एंड यू नो एवरीबडी हैज़ दैट जज्बा ऑफ बिकमिंग अ स्टार, आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट वेरी इजी। एंड दूसरी बात यही कहूँगी दैट लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में वो बैलेंस नहीं है एक स्टार होने का और एक नॉर्मल इंसान होने का, तो फिर यू नो यू लूज़
योर माइंड. एक वक्त आएगा जब आप अपने आप को भूल चुके होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सुपरस्टार हो तो वो आप सेट पे छोड़ के आओ, आप घर पे आके नॉर्मल इंसान बन जाओ. आई थिंक जब एक वो बैलेंस आ जाएगा, जैसे आज भी मैं जब नहीं काम कर रही होती मैं घर पे बैठ के किताब आज भी पढ़ती हूँ, तो वो क्योंकि मेरे अंदर एक बैलेंस है कि हाँ मुझे स्क्रिप्ट के साथ साथ किताब भी पढ़ना उतना ज़रूरी है बिकॉज आई नीड टू हैव दैट नॉलेज. मैं सिर्फ एक्टिंग करती रहूँगी तो फिर यू नो आई विल नॉट हैव नॉलेज. एंड जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है यू कैन नॉट बी एन एक्टर, बिकॉज फॉर एन एक्टर यू नीड टू नो एवरीथिंग बिकॉज यू हैव टू लिटरली प्ले रोल्स, लिव लाइव्स दैट यू नेवर इवन इमेजिनड ऑफ. तो पढ़ाई छोड़ देना या फिर पढ़ना लिखना छोड़ देना आई वुड नॉट एडवाइज. बट I mean, like, I followed my passion right from the age of 6. So, and it only happened because I had the right kind of parents, the right kind of mind frame to have that balance. So, agar aap wo seekh lo, so I don't think so itna mushkil hoga. So, chalte chalte, Shekhar, aap दीवाना मुझे तेरा बना ले, जिलेंगे थोड़ा इसी बहाने, आँखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जिलेंगे थोड़ा इसी बहाने, ऐसा असर तेरा हो गया बना ले, जिलेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जिलेंगे थोड़ा इसी बहाने. I know who the fuck I am.